बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपना एक बहुत अच्छा एक नाम अपना इंडस्ट्री में बनाया है। तो
तो मींस उसके बारे में आप मुझे बताइए कि इतने शॉर्ट टाइम में कैसे कोई इतना पॉपुलर हो सकता है। आई वाज अ पार्टी क्वीन, लाइक सब हमारा रात का स्केड्यूल होता था, तो वी यूज्ड टू पार्टी इन नॉर्थ। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी कॉल्ड मी अप, शी सेड व्हाई डोंट यू कम फॉर अ शूट। आई सेड ओके लेट्स गो। तो आई डिड अ शूट, इट केम सो ब्यूटीफुली, शाइनी, इट केम सो ब्यूटीफुली। देन अप्रोच आने लग गए, देन काम मिलने लग गया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक लास्ट ईयर आई स्टार्टेड। वो पोस्ट भी नहीं किया कुछ कुछ डिजाइनर्स का जो मेरे को अभी इतना काम पड़ा हुआ है। सो फ्रॉम लास्ट ईयर इट स्टार्टेड लाइक ऑगस्ट या सितंबर, September end में started and then it's on and on and on, now you're seeing. मैं अब सारे brands के साथ और she's always it's been a roller coaster journey ना, so it's been like on and on, कभी ऊपर कभी नीचे। ना अपनी हमेशा toes पे रहती है, कभी यहाँ भाग रही है कभी वहाँ भाग रही है। अरे यार मैं बस यहाँ पे पिक्चर क्लिक कराई, मैं निकल रही हूँ, मेरा शूट है, मेरा शूट है, मतलब हमेशा भागती रहती है, भागती रहती है। Now they've started with the ramp also. So I mean, कैसे मजा ज्यादा आता है, मतलब प्रिंट शूट्स में ज्यादा मजा आता है या रैंप का ज्यादा मजा आता है? मेरे को तो सब में ही मजा आता है, सबका अलग अलग स्पाइस है, सबका अपना अलग अलग वो है। अभी हम लास्ट शो में एक साथ, हाँ हाँ, हम लोग हरे वो लाफियास्टा का, लाफियास्टा में भी थे, लाफियास्टा में भी थे और जश्न में भी थे। तो गाइज ये इतने बड़े काम करने के बाद भी हमारी बहुत पेस्ट्री सेलिब्रिटीज हैं, अक्सर पेस्ट्री पार्टीज में देखी जाती हैं। और पेस्ट्री पार्टीज में लोग ड्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं, समटाइम्स किसी की पिटाई भी हो जाती है, कोई पिटाई कर भी देता है, कोई किसी को गाली देता है। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई किस्सा हुआ है कहीं आप दोनों एक पार्टी में और कभी कोई मार धाड़ हुई हो? आप दोनों की भी मैंने सुना है कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आई थी। आपकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो हमारी फर्स्ट थी कि सेकंड थी? फर्स्ट थी ना, आई गेस। अगर प्रॉपर देखें तो फर्स्ट थी, वैसे हम लोग मिल चुके थे एक और इवेंट में, लेकिन जो उस दिन हुआ था इट वाज रियली 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 बैड। माय माउथ इज जिप्ड। सो बिकॉज़ आई वाज होस्टिंग दैट प्रोग्राम, अच्छा, शी वाज देयर एज अ गेस्ट एंड you know what happened, हम दोनों के बीच में बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हीटेड आर्गुमेंट हो गई थी किसी और की वजह से। देन दैट वाज अ पर्सन, उसने इसको कुछ बोल दिया, मुझे कुछ बोल दिया, अभी लाइन। मतलब आपकी जो पहली मुलाकात थी वो बड़ी बुरी मतलब गर्मा गर्म थी, है ना, गर्मा गर्म थी, वो हमेशा याद रहेगी। अब दो आग एक साथ मिल गई। बट कहते हैं ना गर्मा गर्म जो फाइट से फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है, इट ऑलवेज गोज, डिस्कशन किया, लोग हमें टोंट कर रहे थे, तुम दोनों की तरह लड़ाई हुई थी, तो हमने उनको मजे पूरे लेते हैं, हमने उनको अच्छा खासा आंसर दिया। दे वर लाइक शॉक, ये दोनों पूरे इवेंट में साथ में खड़ी हैं, और मुझे लगता है कि होना भी ऐसे चाहिए, जो जो ईद भी बनाई और हमने एंजॉय किया साथ में, सबको लगा ये तो लड़ रहे थे यार, उनको सही है। शोभा बहुत पेस्ट्री पार्टीज और बहुत बड़े बड़े शोज जैसे होस्ट करती हो, तो समटाइम्स ऐसे होता होगा कोई ड्रंक है, जैसे ड्रिंक्स भी ओपन चलती हैं, तो कोई ड्रंक है और किसी ने आके आपसे बदतमीजी की या किसी तरह की कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, तो फिर आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन? बेसिकली पता है क्या होता है, हमारा शो बोलने का तरीका होता है, मैं एक दो बार तो उसको बहुत तरीके से पोलाइटली बोलती हूँ, तमीज में मेरा डायलॉग रहता है मेरे ख्याल से, मैं एवरीवेयर वो जरूर बोलती हूँ कि यू आर एजुकेटेड, यू आर स्मार्ट, आई थिंक सो, यहाँ पर ये सब चीजें देखते हुए तो मैं ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं करती। तो किसी की अगर आप तारीफ कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली कुछ गलत भी करने वाला होता है, तो वह तो शायद बीइंग एन एंकर मुझे तीन चार चीजें ऐसी हैं जो मैं बोलती हूँ, तो मेरे ख्याल से टच वुड मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हमेशा रहा है, अच्छा, सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है। बट अगर कभी लगे कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है और हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो क्या करते हो? तो बेसिकली आप कैसे जाते हो, मतलब मुझे तो क्लाइंट बुक करता है, राइट, हाँ, तो मेरा मेन होता है कि क्लाइंट को अगर मैं ये चीज इन्फॉर्म करती हूँ, अगर क्लाइंट इस चीज को मैनेज करता है, बहुत
अच्छे होते हैं काफी. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की होती है, आप उनके थ्रू आ रहे हो, उनके लिए आ रहे हो शो में. तो मेरे ख्याल से कोई भी पर्सन नहीं बर्दाश्त करता कि कोई भी लड़की के साथ बदतमीजी करे. तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की के ऊपर होता है वो कैसे हैंडल कर रही है. राइट, अगर आप उसको बहुत तरीके से हैंडल, एक सेकंड में मैं गुस्सा करूँ पुलिस बोल दूंगी, ये बात बढ़ाने में मेरा इवेंट, मेरा जो इवेंट पर्सन है उसका पूरा इवेंट खराब होगा. सो आई रियली डोंट वांट कि बंदे ने इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज मेरे वजह से हो. अगर कोई कर रहा है तो उसको हैंडल करना आना चाहिए. सो अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ही रहा है. सो मीन्स मैं सुन रही हूँ रोज आपके पीआर चेंज हो रहे हैं. कभी कोई कहता है कि आई एम हैंडलिंग मीन्स मल्होत्रा, कोई कहता है मैं पीआर देख रहा हूँ, तो क्या चक्कर है ये? एक्चुअली शाली मेरा अभी तक जिन मैं इट्स लाइक वन इयर्स बीन माय जर्नी, अभी तक आई हैव नेवर हायर्ड अ पीआर. ओके, कभी पीआर तो मार्केट में अफवाहें हैं कि हम इसके पीआर हैं. द पॉइंट इज दैट कि मेरे को कभी पीआर की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज आई नो द ऑर्गेनाइजर डायरेक्टली एंड आई नो द ब्रांड्स के जो ओनर्स हैं वो मेरे को डायरेक्टली जानते, तो फिर मुझे पीआर की जरूरत नहीं पड़ती है. और वैसे भी समटाइम्स मुझे लगता है जो हम अपने लिए बेटर कर सकते हैं वो पीआर नहीं कर सकता. हम अपने सारे सीक्रेट्स उनके साथ शेयर नहीं कर सकते. एक्चुअली तो मार्केट में तो लोगों को कुछ तो कहना है, तो वो यही कहते हैं और सोचते हैं कि हम फायदा उठा लें कोई सक्सेसफुल हो. इतने कम टाइम पे इसके इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने जगह शो स्टॉपर बन चुकी है, नाउ शी इज कोलैबोरेशंस कर रही है, शी इज डूइंग सो मेनी थिंग्स. तो इट्स लाइक एवरीबॉडी कहते हैं ना सक्सेस हैज अ सो मेनी फादर्स, फेलियर हैज. राइट. तो आप दोनों का मैं मतलब देख रही हूँ कि इतनी सारी पॉजिटिविटी मिलती है, इतना कुछ अच्छा किया है, पर बहुत हो गई आप लोगों की तारीफ. अब करते हैं इन पे तीखा वार. Are you ready, girls? Yes, of course. तो हम पहला तीखा वार करने वाले हैं शोभा पे. शोभा, मार्केट में बहुत बातें चल रही है कि ये शोभा ऐसा क्या करती है जो इतने सारे कोलैबोरेशन सिर्फ और सिर्फ शोभा को मिल रहे हैं, क्या चक्कर है ये बताइए आप मुझे. बेसिकली मेरे ख्याल से सभी ब्लॉगर्स ने इन्फ्लुएंसर्स ने काफी अपनी जो लिस्ट है वो भेजते हैं कि इतनी स्टोरी ये सारी चीजें. बिकॉज मैं अगर किसी ब्रांड के साथ जुड़ रही हूँ तो मैं उसको मेरे ख्याल से जितना मैं देती हूँ उससे ज्यादा मैं उसको करके देती हूँ जितना वो. अच्छा, मतलब एक वो नहीं रखते कि मैं इतना और इतना करके दूंगी. हाँ, मेरा उससे ज्यादा ही रहता है और मेरे ख्याल से ब्रांड बहुत खुश होता है कि अगर आप प्रमोशंस कर रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, पोस्ट कर रहे हो. जनरली आजकल स्टोरीज पोस्ट करते हैं और रील्स नहीं डालते. Right. बट शायद मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई कोलाब आ रहा है और कोई अपना ब्रांड की चीज भेज रहा है और मुझे उससे हैप्पीनेस मिलती है तो मैं उसके लिए कर देती हूँ. वो मेरे ऊपर है, वो डिपेंड करता है ब्रांड्स पे वो हमें कैसे ट्रीट कर. लोग बोल रहे हैं कोलैबोरेशन मिलती रहे तो बोलते रहे, उनको ये नहीं पता ना कि हम भी उसके लिए 100% एफर्ट्स कर रहे हैं. आप कर रहे हो. अब मैं कहती हूँ कि बहुत सारे जनों के पास कोलैबोरेशन आते हैं पर वो टाइम नहीं दे पाते. मैं पूरा प्रॉपर शूट डे डिसाइड करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं प्लान करती हूँ. तो फिर भी ब्रांड्स बहुत खुश होते हैं तो मुझे मिल रहे हैं. एक चीज मैंने भी ये भी देखी है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो एक दिन में कम से कम 10 ब्रांड प्रमोट करते हैं. राइट. यू शुड प्रमोट वन ब्रांड इन वन डे. पूरा मतलब कैसे पूरी फुटेज मिले, पूरी ऑडियंस एक पे कंसंट्रेट रहे कि हाँ जब हमें यही ब्रांड देखना है उसकी प्लस एंड माइनस सब चीजें देखनी है. हाँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ठीक है आप मल्टीपल ब्रांड्स कर सकते हो क्योंकि मे बी आपको एक ब्रांड से एक दिन में इतना कुछ नहीं मिलता. बट स्टिल यू मेक टाइम. हाँ, यू कैन गिव टाइम बट सिंगल डे में आप, मैं कह रही हूँ 10 की जगह 5 कर लो लेकिन अच्छे से. क्रिएटिविटी. तो हम नेक्स्ट आ रहे हैं मींस मल्होत्रा. मींस मल्होत्रा को बोला जाता है कंट्रोवर्शियल क्वीन. मतलब जहाँ कंट्रोवर्सी है वहाँ मींस है और जहाँ मींस है वहाँ कंट्रोवर्सी. मुझसे पूछो. आई विल टेल यू. तो मींस ऐसा क्या है आपको, मतलब आप क्यों कंट्रोवर्सी में रहती है हमेशा? मैं तो ना घर पे भी होंगी, पार्टी में झगड़ा होगा ना तो मेरा नाम होगा. गुस्सा आ गया तो आपने देखना नहीं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और सामने वाले की लगा देंगी. हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है. बट इट्स कि आप अगर किसी को तंग मत करो, इरिटेट मत करो, अगर आप आग से खेलोगे तो जलोगे. अब
ध्यान रखना लोगों, आग में घी डालने का काम मत करना मेरे को बुरा होगा आपके साथ। इंटरव्यू के जरिए मेरे ख्याल से बहुत सारे जगह पता चल जाएगा मींस पर उतरा क्या है। नहीं बट मुझे लगता है मींस थोड़ा सा गुस्से को आपको पहले से आपने कंट्रोल किया है। कंट्रोल किया है मैंने बहुत लोगों से, मैंने इंटरेक्शन ही बहुत कम कर सो आई नेवर गिव देम चांस कि तो आप मुझे कुछ पोकिंग के लिए कुछ बोलो। आप नेगेटिविटी लो ही मत, क्योंकि आप जब ऐसे माहौल में रहते हो तो ऑटोमेटिकली गलत चीजें हो जाती है ना। बट ठीक है, मैं भी यही होप करती हूँ कि आपका गुस्सा कंट्रोल में रहे और लोग बेचारों की शामत नहीं आए, है ना। अब तो नहीं आनी। उनका प्रोफाइल देखो तो ऐसे लगता है ओ गॉड एटीट्यूड क्वीन भी लगती है। आप लोग क्या बोलोगे इस पर? मेरे में बहुत एटीट्यूड है बिकॉज आई गो टू माई वर्क, डू माई वर्क एंड आई लीव। आई नेवर वेट कि भैया आप भी मेरे से बात करो, आप भी मेरे से बात करो। सो इसलिए पीपल ऑफ हाफ ऑफ द पीपल थिंक दैट मेरे में एटीट्यूड है, काम करके निकल जाते हैं। बिकॉज इवन शाली यू हैव बीन सीन कि आई डू माय वर्क एंड आई लीव, भागती भागती आती है, भागती भागती जाती है। So that's the point. Another thing is that I don't talk much in social media, whether it's Instagram, Facebook. जिन लोगों को मैं जानती हूँ, I don't interact with them. नहीं नहीं, मुझे लगता है हमें थोड़ा सा एटीट्यूड रखना भी चाहिए। बीइंग मतलब फेमस पर्सनालिटीज थोड़ा सा तो बनता है। और बेसिकली मेरे साथ ये भी होता है कि इंस्टा पे मोस्टली क्या होता है कि मैं रिप्लाई अकॉर्डिंग टू वर्क करती हूँ, और ऑफ कोर्स आई एम लाइक मिरर, जो सामने वाला मुझे एटीट्यूड दिखाता है तो मैं एटीट्यूड दिखाती हूं। मुझे सामने वाला बहुत स्वीट होता है और मैं उसको अच्छे से रिप्लाई करती हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो ना, तो आपको दुनिया ही और इंडस्ट्री ही सिखा देती है। मेरे से आई लर्न फ्रॉम लास्ट 10-12 इयर्स, जब से मैं हूँ तब से मैं सीख ही रही हूँ डेली, और स्टिल ऑन लर्निंग मोड है। यू कैन से दैट एवरी डे आई एम लर्निंग। नहीं नहीं ठीक है। तो कहते हैं कि पहली मुलाकात हमेशा याद रहती है, और आप दोनों की मुलाकात तो पूरी दिल्ली में फेमस है। जो धमाके हुए थे, तो आप बताओ शोभा, आपको जब आप फर्स्ट अपनी मीटिंग याद करते हो तो क्या याद आता है? जैसा मुझे फर्स्ट टाइम इसके बारे में लगा था, शी इज नॉट लाइक दैट, बिल्कुल बहुत ही स्वीट है, मतलब मेरे साथ बहुत अच्छी है। अब पता है आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, हर किसी की फ्रेंडशिप और हर किसी की चीज अलग होती है। अब मेरी बॉन्ड भी बहुत डिफरेंट है, राइट, बट समटाइम्स कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, जैसे आपकी फर्स्ट मीटिंग पे हुआ, फर्स्ट मीटिंग में नेवर नो। तो फर्स्ट मीटिंग में देयर वाज अनदर इशू, बिकॉज़ देयर वाज अ लेडी, शी वाज कमिंग टू मी अगेन एंड अगेन कि हां शी वाज, मुझे भी उसने कुछ बोला था शोभा के बारे में, शोभा को भी बोला होगा मेरे बारे में। So, एक बंदे का माइंडसेट हो जाता है उसके बाद। तो वही तो कह रही हूँ, कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि लोग बुरे नहीं होते, कई बार हालात खराब। जैसे बीइंग एन होस्ट, मुझे अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग होस्ट करना होता है ऑन स्टेज, तो अब मुझे उसके सामने कोई भी आ जाए, मतलब कोई भी फैमिली, मोस्टली अब जैसे वेडिंग्स होती है या मूवी प्रमोशन होती है, कुछ भी कैसा भी शो होता है, तो उसमें मुझे क्लाइंट को देखना होता है वो क्या चाहता है, ऑन स्टेज पे कौन रहे। तो बेसिकली मुझे ये कोई रीजन नहीं था कि मैं मीन्स के लिए स्पेशली बोलती, बट मुझे उस टाइम स्टेज क्लियर करना था, तो फिर वही मीन्स को उस चीज का बुरा लग गया। हां, बिकॉज़ बट देन आई अंडरस्टूड हर पॉइंट आफ्टर दैट, क्योंकि वो शी वाज डूइंग हर जॉब, शी वाज नॉट पोकिंग मी और एनीथिंग, बट दैट टाइम इट वाज जो लड़कियों को भी इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मुझे मतलब ऐसा होता है कि मेरे को कभी किसी से जेलस नहीं होता। सही बताओ, अगर सामने वाला मेरे लिए बहुत अच्छा है ना, तो मैं उसके लिए बहुत ही अच्छी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं आई एम लाइक मिरर, जैसा मैं ट्रीट करते हो तो आप लोगों ने एक ट्रेंड जो है सेट कर दिया है कि लड़ाई के बाद भी बहुत गहरी दोस्ती हो और सकती बहुत है, अच्छी हो सकती है। तो आज हम कहेंगे सेट द ट्रेंड विद मींस एंड शोभा। सो इट वाज लवली कन्वर्सेशन विद यू गाइस, सेम सेम, मजा आ गया, और आई होप आप लोगों की जो फ्रेंडशिप है वो और ज्यादा डीप हो जाए, और कंट्रीब्यूशंस भी बढ़ते हैं। कंट्रोवर्सी नहीं है तो मजा ही नहीं है, वैसे भी हमारी तो लाइन में आपको पता क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट। सो ओके गाइस, बाय बाय।